ओके जी, सो अभी हम आ रहे हैं कि लेवल स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कैसे करते हैं, ठीक है? सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि लेवल स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे की जाती है. जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, बी एफ फोर नेगेटिव, इसकी बी ओ फोर नेगेटिव की आयन की हम एग्जांपल लेने चाह रहे हैं कि लेविस स्ट्रक्चर में हम इसको ड्रॉ करें कैसे करेंगे. सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व कितने हैं, ठीक है? सबसे पहले आप ये देखें कि इसमें दो एटम्स हैं, एक बोरॉन है और एक है फ्लोराइड, ठीक. और फ्लोराइड कितने हैं, ये टोटल चार हैं, और बोरॉन कितने हैं, टोटल एक हैं. तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी क्या है और इनके कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे. अकॉर्डिंग टू लेविस के हमेशा क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन्वॉल्व राइट इन बॉन्डिंग, ठीक है? सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होंगे बॉन्डिंग में, ठीक है? सो सबसे पहले हमें बोरॉन का फाइंड आउट करना है. एटॉमिक नंबर है 5, तो दिस इज 1s2, 2s2, 2p1. तो ये बोरॉन है और इसका ये लास्ट शेल है. और फ्लोराइड जो है उसका एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का 17 होता है, तो 1s2, 2s2, 2p6, नॉट 17, सो इट माइट मीन 9. ठीक है, तो यहाँ होंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स, 9 है, तो ये आखिरी शेल है इसका. तो इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है? सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप कि अब क्या है. अब आपने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सप्लाइड इन दिस सिस्टम उसकी बात करने जा रहे हैं. तो आपको पता है कि बोरॉन से आपको 3 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, फ्लोराइड से आपको 7 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं. तो बोरॉन एक है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें, प्लस एक फ्लोराइड से 7 है, तो बी एफ फोर के अंदर 4 फ्लोरीन है, तो इससे मल्टीप्लाई करें, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमने काउंट आउट करने हैं. तो 3 प्लस कितने होंगे, 28, एड अप करें तो आंसर आएगा 31, ठीक है? सो इसका मतलब ये है कि इन दोनों एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 31. ओके, सो दिस इज द 31 इलेक्ट्रॉन्स जो बेसिकली इन्वॉल्व हैं इस सारे केस में, ठीक है? सो द सिंगल नेगेटिव चार्ज जो आपको ये नज़र आता है बी एफ फोर के ऊपर, नेगेटिव चार्ज जो एक नेगेटिव चार्ज नज़र आ रहा है, वो नेगेटिव चार्ज इसलिए नज़र आ रहा है कि एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? दिस नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, देयर इज वन एडिशनल इलेक्ट्रॉन. जब भी किसी चीज़ पर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो यानी नेगेटिव चार्ज हो, तो इसका मतलब वन एडिशनल इलेक्ट्रॉन है. सो वन एडिशनल इलेक्ट्रॉन आपने लिखना है, तो इसका मतलब यह है कि टोटल थे 31, राइट? सो एडिशनल चार्ज आने की वजह से, ये नेगेटिव वन आने की वजह से, इसके अंदर आप एक और ऐड कर दें. ये ऐड क्यों किया हमने, इस नेगेटिव की वजह से. अगर ये ना होता तो यहाँ ना लिखते हम. सो इट इज इक्वल टू 32. तो 32 को अगर आप डिवाइड करें 2 के ऊपर, पेयर्स बनाने हमने, तो कितने पेयर्स बनेंगे, 16. तो इसका मतलब ये है कि बी एफ फोर में 16 इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है? अब हम इसका सोल्यूशन निकालने जा रहे हैं, कैसे लिखेंगे. आपको पता है कि बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लिहाजा ये सेंट्रल एटम है, ठीक है? इसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, दे आर बेसिकली हम कहते हैं कि 3 थे, सही है? तो 3 इलेक्ट्रॉन तो इसके ये हो गए, राइट? अब हम फ्लोराइड अटैच करते हैं, तो आपको पता है कि फ्लोराइड अटैच होने जा रहे हैं, तो ये फ्लोराइड 1 लग गया,
ये फ्लोराइड दूसरा लग गया, ये फ्लोराइड तीन लग गया, अभी मैं तीन पे आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये बॉन्ड बन जाएगा, ये एक बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड बन जाएगा। और आपको पता है कि फ्लोराइड में कितने इलेक्ट्रॉन थे आखिरी शेल में? सात, एक इससे शेयर हो गया, आठ पूरे हो गए। आठ में से एक ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो बाकी छः जो हैं वो तीन इलेक्ट्रॉन पेयर की स्टेट में, हर फ्लोराइड के ऊपर तीन इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होंगे। अब काउंट करें इलेक्ट्रॉन पेयर, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, 12 इलेक्ट्रॉन पेयर है, चार मिसिंग है, ठीक है। सो आफ्टर दैट कि आपके पास एक एडिशनल चार्ज की वजह से, ये जो आपने एक एडिशनल चार्ज रखा है वो इसकी वजह से एक एक्स्ट्रा फ्लोराइड लगा है इसके ऊपर, ये जो फ्लोरीन लगा है या फ्लोराइड लगा है इसके ऊपर एडिशनल चार्ज की वजह से ये अटैच हुआ है। तो इसके पास भी तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन पेयर, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये एक दो तीन चार, ठीक है। तो ये 16 इलेक्ट्रॉन्स पेयर पूरे हो गए Bf4 नेगेटिव में। अगर होता Bf3, सपोज करते हैं Bf3 होता, तो हमारे पास क्या होता? तीन इलेक्ट्रॉन इसकी वजह से होते, सात इलेक्ट्रॉन एक फ्लोरीन की वजह से, और वो तीन से मल्टीप्लाई कर दें आप। तो हम काउंट डाउन करते हैं, 3 + 21 कितने हो गए? 24। इसको 2 पे डिवाइड करें कितने बने? 12 इलेक्ट्रॉन पेयर। तब अगर ऐसा होता तो हम कहते हैं कि इसके साथ तीन फ्लोराइड जो हैं वो अटैच हैं, और हर फ्लोरीन के ऊपर दो तीन तीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स यानी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद हैं, लिहाजा ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक है। सो एडिशनल चार्ज की वजह से एक एडिशनल एटम आया है Bf4 नेगेटिव, तो वो नेगेटिव किसकी वजह से आया है? इस एडिशनल चार्ज की वजह से, एंड दिस वुड बी द केस। नाउ फॉर योर एक्सरसाइज प्लीज ड्रॉ द लेविस स्ट्रक्चर ऑफ PCl3, राइट, PCl5, ड्रॉ द लेविस स्ट्रक्चर ऑफ SO4 -2, ड्रॉ दी ये, दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, थर्ड एग्जाम्पल नंबर फोर इज कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर फाइव इज यू शुड राइट अबाउट दी एनी एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल या NH3। तो आपने इसके कैलकुलेट करके मेरे साथ, यानी ड्रॉ करके आपने मेरे साथ शेयर करने हैं लेविस स्ट्रक्चर। दिस इज योर असाइनमेंट फॉर टुडे, ठीक है, फॉर प्रैक्टिस। ओके जी, सो इसके बाद लेविस स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूशन आपने ये सीख ली कि लेविस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होते हैं और उनका किस तरह से हम करते हैं, ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग टू ड्रॉ सम काइंड ऑफ लेविस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इन दिस, अब आपको पता चल गया कि लेविस स्ट्रक्चर क्या है और कोवलेंट बॉन्ड क्या है। कोवलेंट बॉन्ड में भी आपको ये समझ आ गई कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनसे, यानी म्यूचुअली शेयर होते हैं, एक वो शेयर कर रहा है एक दूसरा शेयर कर रहा है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस यू आर गोइंग टू गेट सच काइंड ऑफ थिंग्स। अब जैसे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लिखना है तो ये भी याद रखें कि Bf4 के ऊपर कलेक्टिवली फिर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, ये आपने इसको ड्रॉ करना है। अच्छा, अब एग्जाम्पल के लिए Pf3 भी ले सकते हैं एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स ली जा सकती हैं। ओके, सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपका है कोवलेंट बॉन्ड। आपने सारा कुछ देख लिया, ठीक है। सो मैं थोड़ा सा इसमें ऐड अप करूँगा एक और कॉन्सेप्ट को, जिसको हम कहते हैं बेसिकली रेजोनेंस। सो व्हाट इज रेजोनेंस, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ लेविस स्ट्रक्चर, एंड देन वी विल गो इनटू द थ्योरीज की तरफ हम फिर मूव ऑन करेंगे कि लोकलाइज्ड बॉन्डिंग अप्रोच क्या है और डी लोकलाइज्ड बॉन्डिंग अप्रोच क्या है, उसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं अभी, ठीक है जी। सो नेक्स्ट इज, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। सो रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं हम,
और फिर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कि रेजोनेंस इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में किस तरह पाई जाती है, ठीक है। और इसके ऊपर काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये रेजोनेंस वगैरह, और फिर हमारी ये मामला हल होंगे, ठीक है। आगे की सो रेजोनेंस इज एक्चुअली लिविंग स्ट्रक्चर में हम इसको एक्सप्लेन करते हैं या यूज़ करते हैं, ठीक है, टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए बॉन्डिंग कैरेक्टर ओवर द मॉलिक्यूल, ठीक है। सो स्टेबिलिटी या इन अदर सेंस किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम बात रेजोनेंस की करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि रेजोनेंस बिटवीन लिविंग स्ट्रक्चर्स, अगर हमें ये पता चल जाए कि कोई लिविंग स्ट्रक्चर्स है, एक से ज़्यादा भी तो हो सकते बना सकते हैं ना आप, तो लिविंग स्ट्रक्चर्स जो हैं उनकी जो उनके दरमियान जो रेजोनेंस है वो क्या करती है, इट लोअर्स दी, आप सबको पता है रेजोनेंस का, आपने FSC में पढ़ा है टॉपिक एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। इट लोअर्स दी दी कैलकुलेटेड राइट एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल की कैलकुलेटेड एनर्जी को क्या करता है, वो लोअर कर देता है रेजोनेंस, एंड और क्या करता है, एंड डिस्ट्रीब्यूट दी बॉन्डिंग कैरेक्टर राइट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ओवर द मॉलिक्यूल, ठीक है। सो कीप इन माइंड कि ये याद रखना है कि लिविंग स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर्स विद सिमिलर एनर्जीज प्रोवाइड ग्रेटर रेजोनेंस स्टेबिलिटी, ठीक है, प्रोवाइड्स ग्रेटर रेजोनेंस स्टेबिलिटी, ये ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबिलिटी क्रिएट करता है। आपको पता है कि रेजोनेंस स्टेबिलिटी का मतलब है कि जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल की रेजोनेंस स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इन एक्चुअल मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, या रेजोनेंस एनर्जी कम होगी तो उतना ज़्यादा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। सो दिस इज द कॉल्ड एज रेजोनेंस, ठीक है। सो जनरली ऐसा क्यों है कि रेजोनेंस में कई स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है, होता ये है कि समटाइम्स राइट इन सम केसेस, इन सम केसेस और इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस, ठीक है, इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस, मैं यहाँ मेजॉरिटी का वर्ड यूज करूँगा, इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस सिंगल रेजोनेंस स्ट्रक्चर, सिंगल लिविंग स्ट्रक्चर जो हमारे पास, ये जो लिविंग स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ कर रहे हैं, सिंगल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर नॉट या आप कह सकते हैं आर इनएडिक्वेट राइट एडिक्वेट डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए एक स्ट्रक्चर के अंदर मॉलिक्यूल को आप 100% एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, जैसे हम बात करते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस कि एक मॉलिक्यूल से कैसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लिविंग स्ट्रक्चर से या लिविंग मॉडल ऑफ कोवलेंट बॉन्ड से, हम एक स्ट्रक्चर से किसी भी मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे हम कहते हैं O3 और ओजोन, ठीक है, तो ओजोन जो है इसकी जो स्ट्रक्चर हम बात करते हैं, उस एक स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करने जा रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, हम ओजोन की स्ट्रक्चर जो हम ड्रॉ करते हैं, हम ओजोन की स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू लिविंग मॉडल इस तरह एक्सप्लेन करते हैं, दिस इज ओजोन स्ट्रक्चर जो लिविंग मॉडल में एक्सप्लेन की जाती है। अब दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट
कि ये एक स्ट्रक्चर से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जो सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड, राइट, दिस सिंगल बॉन्ड इज अ इनकरेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ दिस पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। क्या आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है वो, आपको पता है कि दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है, यहाँ वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे शेयर कर सकता है। सो दिस इज द सिंगल बॉन्ड, जो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की मैं बात कर रहा हूँ, राइट, इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, इससे डिफरेंट है। और नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन हमेशा ऑक्सीजन क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड कैसे बना रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो अगर हम इसको जर्नली चेक करें, ठीक है, तो टिपिकली अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हो, से इफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हो, तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है, ठीक है, वो 148 पिकोमीटर होती है। और अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो, तो उसकी जो लेंथ होती है वो 121 पिकोमीटर है। यानी ये लॉन्गर बॉन्ड होगा, ये शॉर्टर बॉन्ड होगा, ये लॉन्गर बॉन्ड, ये शॉर्टर बॉन्ड। लेकिन इन एक्चुअल, लेकिन क्या होता है, इन एक्चुअल ऐसा नहीं है। इन एक्चुअल क्या है, इन एक्चुअल ये है कि ये जो सारी बॉन्ड लेंथ हैं, ये भी और ये भी, दोनों बॉन्ड लेंथ ये सेम है, 128 पिकोमीटर है, यानी सेम है दोनों। तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रेजेंटेशन है इस लेविस मॉलिक्यूल की, लेविस स्ट्रक्चर है और ओजोन की, ये दिस इज नॉट अ गुड डिस्क्रिप्शन ऑफ, ये इस पूरे मॉलिक्यूल को सही तरह एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, ठीक हो गया। सो जब ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, सो दिस इज द डेफिशिएंसी ऑफ लेविस डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और इस ये प्रॉब्लम है, ये चीज है जो जिसको लेविस कैन नॉट एक्सप्लेन इट, लेविस की, लेविस मॉडल की ये क्या है, डेफिशिएंसी, या लेविस मॉडल की क्या है, डेफिशिएंसी है, ठीक है, ठीक है, जिसे, जो इस मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, राइट। सो टू ओवरकम दिस इशू, इस इशू को ओवरकम करने के लिए, टू ओवरकम दिस इशू और दिस प्रॉब्लम, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस अपेयर, राइट। ये कॉन्सेप्ट किस चीज का आया है, रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ है कि लेविस स्ट्रक्चर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, यानी लेविस स्ट्रक्चर को ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, लिहाजा दिस इज द प्रॉब्लम, ठीक है। सो सम सॉर्ट ऑफ लेविस मॉडल, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं लेविस मॉडल की, कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स की, और फिर हम उसके नेक्स्ट पार्ट पर जाएंगे, तो हमें ये ओजोन की तरफ फिर मैं वापस आऊँगा, ठीक है। चलो, या हम पहले ओजोन पे चले जाते हैं, इन विच वी नो दैट, कि ये ओजोन की बात करता हूँ कि ओजोन में रेजोनेंस कैसे होती है, टू एक्सप्लेन दिस फॉर्मिंग। एक लेविस स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं, ये वाली लेविस स्ट्रक्चर आपने अभी अपने उसमें देखा है आपने, कि हमने ये सबसे पहले ये लेविस स्ट्रक्चर बनाई है। दूसरी लेविस स्ट्रक्चर ये भी हो सकती है ना, राइट। मैं आप लोगों की आसानी के लिए ये करता हूँ कि मैं इस मॉलिक्यूल को चेंज, इफ इट वर्क्स, इस मॉलिक, इस ऑक्सीजन को 1, इसको 2 और इसको 3 कर देता हूँ। इधर भी इसको मैं 1 करता हूँ, इसको 2 करता हूँ, इसको 3 करता हूँ, परमानेंट लेबलिंग कर दिया मैंने, समझ लें। अब मुझे ये बताएं कि विद दिस परमानेंट लेबलिंग, आप मुझे ये बताएं कि इस ऑक्सीजन ने, 1 ऑक्सीजन ने 2 के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ था, और 2 ने 3 के साथ सिंगल बॉन्ड था, लेकिन इस स्ट्रक्चर में क्या है, 1 और 2 के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड है। अपेरेंटली इन मॉलिक्यूल्स में, और एक्चुअली इन मॉलिक्यूल्स में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन इन एक्चुअल इनकी स्ट्रक्चर में फ़र्क है, यानी इनके इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में फ़र्क है,
तो ये इनकी दो शक्लें होगी इस मॉलिक्यूल की, एक ये है और एक ये है, राइट। सो इसका मतलब ये दो लेवल स्ट्रक्चर्स बन गई हैं। तो इन दो लेवल स्ट्रक्चर्स में से कौन सी स्ट्रक्चर ठीक है? ठीक है, दोनों ही ठीक हैं लेविस स्ट्रक्चर। क्या ये, अब हम इसको थोड़ा सा इस तरह देखते हैं कि क्या लेविस मॉडल को ये वाली स्ट्रक्चर जो है ये फॉलो कर रही है? यस फॉलो कर रही है। ये फॉलो कर रही है? यस ये फॉलो कर रही है, राइट। अच्छा, क्या ये स्ट्रक्चर्स ठीक हैं? स्ट्रक्चर्स आर ट्रू, ये सही सही स्ट्रक्चर है, ये भी सही स्ट्रक्चर है। तो लेविस मॉडल को भी एक्सप्लेन कर रही है, स्ट्रक्चर भी सही है। और कॉम्पोजिशन में फ़र्क चेक कर लेते हैं हम कि किसी तरह की कॉम्पोजिशन चेंज तो नहीं हो रही। कॉम्पोजिशन चेंज हो रही है? नो नो, सेम कॉम्पोजिशन है, ठीक है। यानी कॉम्पोजिशन भी सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, लेविस मॉडल भी सेम अप्लाई हो रहा है, तो फिर इन दोनों में से कौन सी स्ट्रक्चर ठीक है? ठीक है, कौन मॉलिक्यूल की शेप को एक्सप्लेन करेगा? विच स्ट्रक्चर विल बी द ट्रू स्ट्रक्चर टू एक्सप्लेन the shape of molecule, जो shape of molecule है उसको कौन सी structure explain करेगी? This would be the question. To answer this question, right, the concept of resonance appears. ठीक है, मुझे ये दोबारा draw करनी पड़ेंगी। So resonance is actually what? Resonance says कि इन दोनों structures को blend कर दें, right? Blending of ये one structure है, ये two structures है, blending of one and two, इन दोनों को blend कर दें। Blend समझते हैं आप सारे लोग, ठीक है, दोनों को क्या कर दें? तो blend कर दें। So when we blend these structures, ठीक है, so और या इनको हम क्या करें, फ्लिकरिंग करें, और अल्टरनेटिवली अल्टरनेशन फ्लिकरिंग है, तो उससे हमें क्या मिलेगा कि हमारे पास ये दोनों स्ट्रक्चर्स को कॉम्बिनेशन मिलेगा। सो वी आर गोइंग टू गेट सम हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल, ठीक हो गया, राइट। सो ओवरऑल वी कैन से दिस कि इन ये दोनों स्ट्रक्चर्स ही इसकी स्ट्रक्चर्स हैं, और ये वाला मॉलिक्यूल कभी इसमें कन्वर्ट हो जाता है, और ये मॉलिक्यूल कभी इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो विद इन वन सेकेंड हो सकता है कि लाखों दफ़ा ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है और ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे होंगे। तो जब ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे होंगे, तो दीज ब्लेंड स्ट्रक्चर्स, इन ब्लेंड स्ट्रक्चर जो बनेगी उसको कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा वो मैं बनाने लगा हूँ। रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसे होगा, ठीक है। सो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऐसी स्ट्रक्चर होगी जो इन एनी केस कहीं पे भी कुछ भी किसी भी तरीके से बनती जा रही है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड जो है, दे कंट्रीब्यूट बोथ स्ट्रक्चर्स इन ऑल वेज, ठीक है। ये दोनों यानी इसमें और इसमें, इसमें इधर एक सिंगल बॉन्ड है, ये लोन पेयर है, एक जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इधर घूम फिर रहा है, ठीक है। कभी वो इस पे आ रहा है, थ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर हो जाते हैं, कभी थ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर हो जाते हैं, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ एक्स्ट्रा हो जाता है, कभी इधर एक्स्ट्रा हो जाता है, सो ऑन, ठीक है। सो इट्स ब्लेंडिंग स्ट्रक्चर, और इसको हम कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और रेजोनेंस से क्या हो रहा है कि हमारे पास जो ओवरऑल वो है मॉलिक्यूल है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। सो दिस इफेक्ट, दिस रेजोनेंस इफेक्ट, ये जो रेजोनेंस इफेक्ट है, इट प्रोड्यूसेस, रेजोनेंस प्रोड्यूसेस टू इफेक्ट्स, टू मेजर इफेक्ट्स, ये टू मेजर इफेक्ट्स डालता है। नंबर वन, जब भी रेजोनेंस हो रही होगी, ठीक है, तो हम कह रहे हैं रेजोनेंस इज एक्चुअली एवरेज दी बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ओवर द मॉलिक्यूल, जो भी मॉलिक्यूल है उसके ऊपर बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी कर देता है, एवरेज कर देता है। कैसे?
जैसे देखो यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, अगली स्ट्रक्चर में ये डबल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड है। और अगर हम इस रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करें तो ना ये ट्रू सिंगल बॉन्ड है और ना ये ट्रू सिंगल बॉन्ड है, ना ये ट्रू डबल बॉन्ड है, ना ये ट्रू डबल बॉन्ड है, राइट ये इन दोनों का बिटवीन है। इसीलिए हम कह रहे थे कि इन दोनों की जो बॉन्ड लेंथ थी वो हमने यहाँ देखी थी कितनी थी, 120 पिकोमीटर हर बॉन्ड, इस बॉन्ड की भी और इस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी है, 128 पिकोमीटर। और इसीलिए है कि वो ना तो सिंगल बॉन्ड के बराबर है और ना डबल बॉन्ड के बराबर है। तो ये डबल बॉन्ड से थोड़ी सी ज़्यादा है और सिंगल बॉन्ड से थोड़ी सी कम है। ये देखें, सिंगल बॉन्ड से कम है, डबल बॉन्ड से ज़्यादा है। तो दिस इज़ कॉल्ड रेजोनेंस, और रेजोनेंस एक्सप्लेन कर देती है जहाँ पर लेविस स्ट्रक्चर बनाना फेल हो जाती है। दूसरी जो इसका मेन इम्पैक्ट है वो क्या है, दैट इज़ energy of resonance hybrid is lower than the single contributor, energy of resonance hybrid is lower than single contributor, यानी ये सिंगल कॉन्ट्रीब्यूटर है, ये सिंगल कॉन्ट्रीब्यूटर है, तो जो इसकी एनर्जी होगी और इसकी एनर्जी होगी, इन दोनों की एनर्जी से इसकी एनर्जी लो होगी, हाइब्रिड की एनर्जी लो होगी। और जब रेजोनेंस एनर्जी लो हो तो इट मींस हाई स्टेबिलिटी, हाई स्टेबिलिटी व्हेन व्हेन रेजोनेंस एनर्जी आ गई, यानी लोअर एनर्जी आ गई, ठीक है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी कम है तो इसलिए वो क्या है, जो रेजोनेंस हाइब्रिड की स्ट्रक्चर बनेगी वो कम होगी। सो योर असाइनमेंट इज दैट ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ BF3, right? Draw resonance structure for NO3 negative, right? इन दोनों के आप resonance structures ज़रा draw करें ना, resonance hybrids draw करें सारे, ठीक है। I want to see you in the next, इसी आज ही ये मुझे दोनों चीज़ें चाहिए। Thank you very much.